बानर कहने लगे बढ़िया रहा। और इधर सुग्रीव दौड़े, दो मिनट की बात भैया सुन लो केवल, दो मिनट की बात फिर भंडारा चलना प्रसाद पाए आप लोग, दो मिनट की बात सुन लो केवल। इधर बानर लोग तो बड़ा मऊ जमाएंगे, कह लगा अब तो लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुग्रीव के मन में चिंता बन गई। सुग्रीव कहां गए बहनों? भगवान के पास दौड़ के गए, बोले प्रभु। भगवान बोले क्या हुआ, ज्यादा बौखलाए हो सुग्रीव? क्या बात? सुग्रीव बोले महाराज गड़बड़ हुई गो। गड़बड़? हाँ गड़बड़ हो गया महाराज, हमें लग रहा है रावण की बुद्धि ठिकाने आ गई है, वो सीता मैया को शरण लिए आ रहा है आपकी। तो भगवान बोले बात क्या है सुग्रीव, तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह बैठा है। सुग्रीव बोले महाराज बात कुछ नहीं, एक शंका बैठ गई हमारे अंदर। आप हो दयालु, आप क्या हो? बोलो बोलो, आप हो दयालु। और लेकिन महाराज एक मन में बात आ रही, आपने एक संकल्प ले लिया है क्या? सिंधु तनीर भराई के नाथ, आप ध्यान से सुनना इस बात को, सिंधु तनीर भराई के नाथ विभीषण का युवराज बनायो। सुग्रीव ने कहा महाराज समुद्र से जल भर करके विभीषण को लंका का राजा बनाया। भगवान ने कहा हाँ। तो भाई बोले यही तो गड़बड़ हुई जो महाराज, यही गड़बड़ हुआ। अब शुद्ध भई मति रावण की, महाराज रावण की बुद्धि सुधर गई। अब शुद्ध भई मति रावण की, संग सियलिए शरणागत आयो। महाराज अब रावण की बुद्धि ठिकाने आ गई है, सीता को लिए शरण में आ रहा महाराज। तो एक चिंता है, अब कौन स्वराज करई लंकेश, और कहीं कपिराज हमें भ्रम छायो। महाराज अब तो शंका बन गई है, क्योंकि तुमने समुद्र से जल भर करके विभीषण को लंका का राजा बना दिया। भगवान ने कहा हाँ। तो सुग्रीव बोले महाराज रावण सीतक लिए आ रहा है आपके चरणों में, तो आप महाराज यही का कहाँ का राजा बनाई हो? बात सुनना भैया, अब इसको क्योंकि आप बहुत दयालु और रावण आ रहा आपकी शरण में है, तो तुम इसको कहाँ का राजा बनाओगे? भगवान बोले सुग्रीव, सुग्रीव ए मुस्काए कही। अरे सुग्रीव तुम चिंता क्यों करते हो? यदि मैंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया है, राज अभिषेक कर दिया है, उसके अनुसार विभीषण को लंका का राजा तो बनना ही बनना। अगर रावण आ रहा तो सुनो, यदि शुद्ध भई मुस्काए कही भगवान तबे, अब लंका को राज विभीषण पई है। मैंने जो समुद्र से जल भर करके विभीषण को लंका का राजा बनाया, इसके अनुसार विभीषण को लंका तो राजा ही बनना बनना। और सुनो, यदि शुद्ध भई मति रावण की, संग सियलिए शरणागत वही है। सुग्रीव सुनो, शरणागत नाई हम कजय कबहू, और हम रावण हूं को कंठ लगी है। अगर रावण आ गया है सीता को लेकर के शरण में, तो रावण को अपने में गले से लगाऊंगा, और अपने हम भैया भरत से कहेंगे, भैया भरत, हे भैया हम भ्रात समेत बसे बन में। भगवान निर्णय ले रहे हैं, हम भ्रात समेत बसे बन में, अवधेश पति दस शीश कहई है। अगर रावण सीता को लिए शरण में आ रहा है, उसकी बुद्धि सुधर गई है ना, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना दूंगा, और मैं अपने भैया भरत से कहूंगा चलो भैया हम तुम जंगल में रहे, और रावण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भगवान ने संकल्प ले लिया, मैं अपने रावण की अगर बुद्धि शुद्ध हो गई तो मैं अयोध्या की गद्दी पर बिठाऊं। लेकिन जब वो डोली आई समीप आई, तब क्या देखा, और जब डोली रुकी और जब डोली से सिलोचना उतरी, तब क्या देखा, करजोरे अंगद हनुमान।
सुलोचना गई और सुलोचना ने भगवान के पास में जाकर के बोली, आहा आज भगवान को देखा। सुलोचना ने धीरे धीरे गई भगवान के पास, क्या बोली, करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे। कहा देखो पति का वध हो गया है ना, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम कितना है। करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, करुणा वचन धाति कर थोरे। करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, करुणा सुलोचना ने भगवान को देखा, रोने लगी और भगवान के चरणों में गिर गई। अरे पति मारा गया लेकिन भगवान के चरणों में कितना प्रेम है। भगवान बोले, देवी देऊ जी आई तोर पतिया, देऊ जी आई तोर पतिया, देऊ जी आई तोर पतिया, मैं तेरे पति को जीवित कर दूं। सुलोचना बोली, महाराज नहीं नहीं महाराज, अब हमको पति नहीं चाहिए, अब तो महाराज रणती रचया चकबर गीना प्राण सुधन लक्ष्मण का दीना, अब हमें पति नहीं है चाहिए महाराज, और मन की जानन हार सुदेवा भव सागर तारो यही खेवा। महाराज बहाना है, और मेरा पति तो, मेरे पति ने तो 14 लोगों को जीत लिया था महाराज, अब नहीं चाहिए पति, नहीं चाहिए, एक कामना है। भगवान ने कहा बोलो, भगवान ने कहा बोलो, तो आज बोल पड़ी, महाराज मेरी एक ही कामना है, मेरे पति का शीश मिल जाए और मैं अपने पति के शीश के साथ में सती होना चाहती हूँ। केवल 5 मिनट की बात सुनो, कथा लंबी है। ए भाई, आज भगवान ने उसके देवी के पति के शीश मंगाया गया, और जैसे पति का शीश देखा, अंचल पोछत मुख की धूरी, आंचल से उस मुख पर की धूल पहुंचने लगी, अंचल पोछत मुख की धूरी और कही मम प्राण सजीवन। इतने में सुग्रीव दौरे भगवान के पास, बोले महाराज एक शंका बन गए। भगवान बोले, क्या? बोले जब इसकी पति की कटी भुजा ये बता सकती है कि इसका शीश के पति का शीश रामा दल में है, तो महाराज इसके पति की कटी भुजा हंस भी सकती है। आहा हंस भी सकती है। आज भगवान बोले, देवी चिंता ना करो, सुग्रीव चिंता ना करो, और देवी के पास में आए, बोले देवी मेरी बानरी सेना की शंका का समाधान करो, ये मेरी बानरी सेना की शंका का समाधान करो देवी। आज भगवान ने कहा इसको हंसाओ, तब कहने लगी, सिरसो कहत सुलोचना हंसौ बेगी मम नाथ, न तरु सत्या मानी है लिखी जो तुम्हारे। महाराज हंस दो, भजन सब गाते हैं, जरा हंस दो सजन हमारे, हंस दो। अगर ये मैं जानती जो जनत्यु मैया गति साई, जो जनत्यु मैया गति साई, जो जनत्यु मैया गति साई, मैया गति साई, जो जनत्यु मैया गति साई, तो बेगी पठाऊं त्यों पिताई सा, युद्ध में मारे जाओगे तो मैं तुम्हें युद्ध में लड़ने ना भेजती, मैं अपने पिता को बुलवा लेती। और जैसे पिता का नाम सुना, ए सुनती है बचन हंसो तब शीशा, ए हंस पड़ा शीश देवी, अरे जिनकी तुम बात करती हो उन्हीं ने तो मुझे
तुम्हारा है। सुनितिया बचन हंसो तब शीशा चौके चकी का भालू भगती। मुझे मारा है बड़ी तेज से शीश हंसा, इतनी तेज शीश हंसा पुलिस गंभीर, इतनी तेजी से आवाज आई कि लोगों के कान बहने पड़ गए, हंस पड़ा। अब सुग्रीव दोरे महाराज यू शीश हंसा कैसे, तब भगवान बोले यह सतबती यही राजकुमारी यही सन शीश हंसा यह सुरा। ये शेषनाग की कन्या है और ये सती है और सती की ताकत पर इसके पति का शीश कटा हंसा है। आज भगवान के पास सिलोचना गई और कहने लगी महाराज मैं एक वरदान मांग रही हूँ आपसे। भगवान ने कहा क्या, भगवान ने कहा क्या, सिलोचना बोली मेरी एक इच्छा है आज के दिन रण प्रण हरो मम हित कौशल राय। महाराज आज आप युद्ध बंद कर दो, आज आप आज बंद, कुछ लोग कहते हैं आज के बाद युद्ध न करो ना, सुलोचना ने ये कहा था आज आप युद्ध बंद कर दो, आज केवल कल आप लड़ना। आज के दिन रण प्रण हरो मम हित कौशल राय सिर चढ़ाए पालकी सो निज घर पहुंची। आय सुपाई सो सेवक धाये चंदन और सुगंध बहुलाए। आहा आज क्या किया, आज चिता लगाई गई चंदन की, सिर भुज धारी करी बैठी आसन, अपने पति के शीश को लेकर के चंदन की चिता पर आज आसन लगा के बैठ गई। सिर भुज धारी करी बैठी आसन भई मति लोक लोक कर भाज देत नल ज्वाला बढ़ी लपट गगन लग जाए और कहीं न काहू जाए। अपने पति के साथ वो स्वर्ग चली गई सुलोचना। एक बार जकरा लगाओ भगवान के नाम का, बोलो सती सुलोचना की जय, सब संतन की जय। सब लोग खड़े हो जाओ भगवान की आरती करते हो, और कोई बिना प्रसाद पाए जाएगा नहीं। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती गुरु चरणन की, शिवा शुद्ध घन
नंद भगवान की जय। सांची दरबार की जय। बोलो जारक वीर बाबा महाराज की जय। आए हुए भक्तों की जय। संत समाज की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। भगवान का अवतार हो। भगवान का